वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको इस रेसिपी में मिनी सोहन हलवा और सोहन हलवा टॉफी भी हम इसे कह सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बनाना बताऊंगी। मैं आज आपको बच्चों के लिए अलग वाइट टॉफी और बड़ों के लिए सोहन हलवा, दोनों एक ही रेसिपी से हम कैसे बनाएंगे वो आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पर गेहूँ का अंकुरित आटा लिया है, इसे हम अंगूरी आटा भी बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यदि आप घर पे बनाना चाहें तो वैसे भी आप बना सकते हैं। ये अंगूरी आटा कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। अब हमें चाहिए 1 टेबल स्पून मैदा। मैदा को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करना है हमें पानी, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 250 मिलीलीटर पानी लिया है, पूरा पानी इसमें हम डाल लेते हैं। बैटर में बिल्कुल भी हमें गुठली या लम्स नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल हमें इस तरह का बैटर चाहिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मोल्ड लिए हैं, इनको अच्छे से हमें ग्रीस करना है घी से, जितने सांचे में आएंगे उतने ही हमें डालने हैं। गैस को यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है, जो हमने आटे का बैटर बनाया था वो इसमें अब हम डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है और लगातार हम इसको फुल फ्लेम पे चलाते जाएंगे। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है, आपके पास यदि नहीं है तो आप एल्यूमिनियम की या मोटे पैंदे की कढ़ाई ले सकते हैं, जिससे बनाने में आसानी रहेगी। इसको बनाने में एक और ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं बैटर जो है बॉइल हो गया है। गैस की फ्लेम को हम कम करेंगे, 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। बच्चों को तो यह टॉफी बहुत ही पसंद आती है, आप जरूर एक बार इसे बनाएं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और काफी समय तक ये खराब नहीं होती है। तो इसमें अब हम शक्कर ऐड करेंगे, तो 5.5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर ली है मोटी वाली, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी करके हमें इसमें ऐड करनी है, उसी में से थोड़ी और शक्कर अब हम इसमें डाल देते हैं। अब बाकी बचे हुए शक्कर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हमें घी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर 7.5 बड़े चम्मच घी लिया है, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे। घी हमें एक साथ नहीं डालना है, 4 से 5 बार में हम पूरा घी डालेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको चलाना है। अब थोड़ा और डाल देते हैं, थोड़ा घी हम और डाल देते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो अब मैं यहाँ पर पूरा घी डाल दूंगी और फिर से हम मिक्स करेंगे। आज ये सोहन हलवा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाएंगे और बिल्कुल बच्चों के जैसे बच्चे खाते हैं छोटे साइज के, वैसे मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। पीस को हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा, एक एक पीस बच्चे लेकर आसानी से खा सकते हैं। इसे आप चाहे सोहन हलवा बोले या मिनी सोहन हलवा बोले या बच्चों के लिए सोहन हलवा टॉफी बोले, कुछ भी नाम हम इसे दे सकते हैं। मिश्रण को हमें लगातार चलाते रहना है एक ही डायरेक्शन में, इसको हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जब तक ये चिकना ही नहीं छोड़े तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। जब इसका कलर अच्छा ब्राउन गोल्डन कलर का आ जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। ये वीडियो बिना स्किप किए देखें, यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ये देखिए मैं इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, बैटर जो है चिकना ही छोड़ने लग गया है, लेकिन अभी हमें इसको ब्राउन कलर का होने देना है। बिल्कुल आप देखेंगे कि थोड़े से बैटर में हमारी कितनी सारी टॉफी बनकर तैयार हो गई है। इस रेसिपी के हम और भी बहुत से नाम दे सकते हैं, और क्या नाम हो सकते हैं आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए अब इसे हम जमा देते हैं। चलिए अब हम मोल्ड में इनको डाल देते हैं। इस तरह सभी को हम जमा देंगे, इस तरह सभी को हमने भर लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इनको निकालेंगे। ये ठंडे हो गए हैं तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से निकल जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरह सभी को हम निकाल लेंगे। इस तरह देखे इन सभी को हमने निकाल लिया है, लेकिन एक अभी मैं आपको दिखाने के लिए रखा है मैंने, जो हमारे लास्ट का जो बैटर बचा था ना उसको मैंने लास्ट में फील किया था,
वेटर जो था हमारा बहुत गर्म था, हीट थी, जिसके कारण देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया, आप देख सकते हैं। तो इसको भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, गर्म हीट के कारण जो है इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है, लेकिन खाने में सबका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यदि हमें बच्चों के लिए बनाना है तो हमें इस तरह थोड़ा कम पकाना है, और बड़ों के लिए बनाना है थोड़ा सा हम ज्यादा पकाएंगे तो कलर इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाएगा। सोहन हलवा टॉफी बहुत ही टेस्टी बनी है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। इसे बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब हम इसको पकाएंगे तो हमें लगातार जो है चम्मच से चलाते जाना है, और जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे तो हमें फटाफट डालना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।